का स्वागत है। अगर आपने हमारे MNS News Live चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। नागपुर में MLA हॉस्टल में शराबियों का हुड़दंग, विधानसभा में गूंजा मुद्दा। बुधवार को विधानसभा में विधायकों ने MLA हॉस्टल में शनिवार द्वारा उत्पात मचाए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उपस्थित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। सदन में तीसरे दिन कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्ष ने नियम 57 के तहत महापौर संदीप जोशी पर हुई गोलीबारी के मुद्दों पर सारा कामकाज रोककर चर्चा करने की मांग की गई। वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है, अमरावती के रवि राणा ने विधानसभा अध्यक्ष से मिले साथी किसानों के मुद्दों पर बात की। किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले से मुलाकात रवि राणा ने की, किसानों की समस्याओं पर चर्चा की और साथी भव्य पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, अमरावती में विद्या देशपांडे दोबारा अध्यक्ष, निर्वाचित अंबा देवी संस्था का कार्यकालिनी चुनाव दीपक श्रीमाली व रविंद्र करवे सचिव बने। पंचवर्षीय चुनाव रविवार को हुआ, इसमें अध्यक्ष श्रीमती विद्या देशपांडे का पूर्ण चयन किया गया। वहीं विद्या देशपांडे ने कहा, संस्था के विकास हेतु कटिबद्ध रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।